आज जो केस हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले आपसे उसकी इम्पोर्टेंस तो जरूर डिस्कस करेंगे। आप अगर एक लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं या लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि केशवानंद भारती केस के फैक्ट्स और उसका जजमेंट आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जब भी कोई स्टूडेंट जब कोई लॉ कॉलेज ज्वाइन करता है, तो उसके सीनियर्स, उसके टीचर, कोच, मेंटर्स उसको केशवानंद भारती केस के बारे में जरूर बताते हैं और कहते हैं, सुना है इसके बारे में, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट चलने वाला केस था। 68 डेज तो चली थी इसकी हियरिंग प्रोसीडिंग्स, जिसमें 100 से ज्यादा केसेस को साइट किया गया था। और क्या सही है क्या गलत है इसको समझने के लिए 70 कंट्रीज से ज्यादा के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था। और आपको पता है इसका जजमेंट कितना लंबा है, 703 पेजेस। और सबसे जरूरी बात यह है, और वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉस में से एक है, और ये है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंडिया इज ऑफन फेस्ड एंड स्टिल फेसेस सिचुएशन जहां पर कि इसकी डेमोक्रेसी के पिलर्स लाइक जुडिशरी एंड पार्लियामेंट आपस में क्लैश करते रहते हैं। यह है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केशवानंद भारती उन्हीं में से एक सिचुएशन है जहां पर कि पार्लियामेंट और जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रैन इनटू ए पावर स्ट्रगल। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की टसल की बैकग्राउंड में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया, विच इज नोन एज द मोस्ट मॉन्यूमेंटल डिसीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। हे एवरीबॉडी, दिस इज ब्रजेश हियर, और आप देख रहे हैं CABN इन्फोवेंट्री। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड समझते हैं। जैसे ही भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तो देश के सारे स्टेट्स अपने अपने स्टेट के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए काम करने लगते हैं। और जब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं अपने कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, तब सिटीजन्स ये रियलाइज करते हैं कि इक्वलिटी भी उनका एक राइट है, उनका हक है। लेकिन उस समय एक अलग तरह के सिस्टम प्रेवलेंट था। वेरियस रिसोर्सेस एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही थे, और धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि ये सही व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के पास है वो सही नहीं है। इसी व्यवस्था को सही करने के लिए सारे स्टेट अपने एग्जिस्टिंग लॉज, अपने सिस्टम्स को सही करने में लग जाते हैं। और केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसी दिशा में कुछ कदम उठाए। केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को पास किया। ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे सिटीजन्स पर कि कौन
कितनी लैंड ऑन कर सकता है। बेसिकली ये सिटीजन्स की प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। केरला की स्टेट गवर्नमेंट भी इस एक्ट को यूज करते हुए एडनीर मठ का लैंड एक्वायर कर लेती है, जिसके हेड स्वामी केशवानंद भारती थे। इस लैंड टेक ओवर की वजह से मठ की इनकम खत्म हो जाती है और उन्हें अपने रोजाना के कामकाज करने में दिक्कत होने लगती है। इस लैंड एक्विजिशन को मठ के हेड श्री केशवानंद भारती केरला हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया देश के सुप्रसिद्ध एडवोकेट नानकी पालकी वाला, हु वॉज असिस्टेड बाई फॉली नरीमान एंड सोली सोराब जी। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते थे और इसलिए स्वामी केशवानंद भारती ने मार्च 1970 में इस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को अपोज और चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट मेरे फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19(1)(f), आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 को वायलेट करते हैं, उनके खिलाफ है। उनका ये कहना था कि लैंड को ओन करना और मैनेज करना एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट होता है और इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। परहैप्स केशवानंद भारती केस मोस्ट वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशन डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। एक और सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड करते हुए कि दैट देयर इज नो एम्प्लॉयड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी हेल्ड किया कि कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ वायलेंस नहीं कर सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसके साथ ही साथ इस केस ने सुप्रीम कोर्ट के राइट ऑफ रिव्यू को एस्टेब्लिश भी किया और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुपरमेसी एस्टेब्लिश करी। इस डिसीजन ने इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने में एक मेजर रोल प्ले किया। हालांकि सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस केस आर इवन नाउ बिकमिंग अपेरेंट। ये अब क्लियर हो रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और लैक ऑफ क्लैरिटी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ दी गई है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के ही अपने एक अर्लियर डिसीजन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को ओवर रूल करते हुए, जिसमें कि यह हेल्ड किया गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, केशवानंद भारती केस लेफ्ट द डोर ओपन टू ए जुडिशियल रिव्यू ऑन वेदर एनी अमेंडमेंट टू ए फंडामेंटल राइट कैन बी सेट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। क्या फंडामेंटल राइट का कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर का अमेंडमेंट कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस सीकरी का कंट्रोवर्शियल व्यू बाई मेजॉरिटी एंड कंफ्यूजन ओवर द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स रैशनल कंटिन्यूस टिल डे। तो सारे झगड़े की जड़ इस केशवानंद भारती के केस में जो थी वो थी इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है। एक तरफ जहां ये आर्टिकल 368 अपने आप में अनएम्बिग्यूस है, फिर भी स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक हाईली कंटेस्टेड इश्यू था, जिसकी वजह से गोलकनाथ जजमेंट हुआ, जहां पर कि
सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि पार्लियामेंट जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर को एक्सरसाइज करती है तब उसको फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की कोई पावर नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ही गोलकनाथ केस प्रोनाउंस किया गया इट वॉज सब्जेक्टेड टू ऑल राउंड लीगल एंड पॉलिटिकल क्रिटिज्म। बहुत सारे लोगों ने इसे एक पॉलिटिकल डिसीजन माना जिसने कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर के साथ इंटरफियर किया था। गोलकनाथ केस के दो साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी 14th बैंक का नेशनलाइजेशन किया जिसमें कि बहुत ही मिनिमम कंपनसेशन का प्रोविजन किया गया था। दिस डिसीजन वॉज इमीडिएटली चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर केस। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 को स्ट्रक डाउन कर दिया बिकॉज ऑफ द कंपनसेशन कंपोनेंट ऑफ द इनएक्टमेंट। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के राइट टू नेशनलाइज द बैंक को अपहेल्ड किया। इसके बाद गवर्नमेंट ने पीवी पर्स को अबॉलिश करने का अटेम्प्ट किया। ये वो पेमेंट थे जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए थे टू अर्सवाइल प्रिंसेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मदर ऑफ सिंधिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्टक डाउन कर दिया विच रिजल्टेड द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पार्ट्स। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इतने सारे रिवर्सल्स किए जाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को सुपरसीड किया जा सके। इन अर्ली 1970 उस समय की प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी ने मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्ट किए थे लाइक 24th, 25th, 26th, and 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू गेट ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आपको एक चीज महसूस होगी कि उस समय इंडिया की दो बहुत ही पावरफुल पार्टी पावर स्ट्रगल कर रही थी। ये दो पार्टीज कौन कौन सी थी? एक थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरी थी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का यह कहना था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में यह पावर मिली हुई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अंडर आर्टिकल 368 जैसे चाहें वैसे अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट का यह कहना था कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहें वैसे अमेंड कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड पावर है, आर्टिकल 368 के थ्रू हमें पावर मिली हुई है। पर पार्लियामेंट के इस स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट एग्री नहीं करती थी। इसीलिए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उनके सामने जब यह क्वेश्चन आया कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी सारी पावर है कि वो जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, तब इस केस में इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पर। इसके बाद पार्लियामेंट अपने ऊपर लगाई हुई रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए पार्लियामेंट में 24th, 25th, and 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है ताकि पार्लियामेंट को उसकी पावर वापस मिल सके। आइए पहले हम इन तीनों अमेंडमेंट एक्ट्स को भी समझ लेते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल राइट अमेंड करने की पावर देता है पार्लियामेंट को। यह कहता है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को, किसी भी आर्टिकल को
अमेंड कर सकता है। इसके बाद आता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है पब्लिक यूज के लिए, और इसके लिए जो कंपनसेशन देना होगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोर्ट। नेक्स्ट आता है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के थ्रू लैंड रिफॉर्म एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब आप पूछेंगे कि इस 9th शेड्यूल में ऐसी क्या खास बात है। फ्रेंड्स, इस 9th शेड्यूल में जो भी लॉज डाल दिए जाते हैं उन पर कोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं उठाए जा सकते, उन लॉज का रिव्यू नहीं हो सकता है कोर्ट्स में। इस प्रकार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को किसी भी तरह की रिव्यू से या क्वेश्चनिंग से इम्यूनिटी मिल गई फ्रॉम कोर्ट इसके 9th शेड्यूल में जाने के बाद। फ्रेंड्स, केशवानंद भारती केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ ही साथ इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया था। इस केस में बहुत सारे इश्यूज उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। इस केस का मेन क्वेश्चन यह था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर पहले क्वेश्चन का आंसर यस है तो पार्लियामेंट के पास किस एक्सटेंट तक यह पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को किस एक्सटेंट तक अमेंड कर सकती है, वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जिनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। तो प्राइमरीली ये दो मेन क्वेश्चंस थे इस केस में। तो आइए अब हम एक एक करके क्या क्या आर्ग्यूमेंट थे बोथ साइड से उनको भी डिस्कस करते हैं इस केस को अच्छे से समझने के लिए। तो आइए हम पहले डिस्कस करते हैं पिटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट्स। पिटिशनर्स का एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को जो पावर मिली है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वो लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहे उस प्रोविजन को चेंज नहीं कर सकती है अपनी मर्जी से, क्योंकि ये पावर लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। पिटिशनर्स का दूसरा पॉइंट ये था कि जो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनकी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1)(f). लेकिन पिटिशनर्स का ये आर्ग्यूमेंट था कि इन 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे आर्टिकल 31(c) इंसर्ट किया गया था, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है, उन्हें कर्टेल करता है, विच इज नॉट ए करेक्ट लॉ। वहीं रेस्पोंडेंट्स का यह कहना था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। उनका व्यू था कि हर स्टेट को अपनी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी होती है, बेहतर करनी होती है, ऐसे में पार्लियामेंट की पावर पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया गया तो ऐसे में टाइम के साथ साथ बदलते समय के साथ वो सोसाइटी की नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाएंगे। रेस्पोंडेंट्स का कहना था कि पार्लियामेंट के पास रेस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर होती है कुछ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। आपको पता होगा कि इस केस में आज तक की
सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। आइए अब इस केस के जजमेंट को डिस्कस करते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये केस बहुत ही थिन मेजोरिटी से डिसाइड हुआ था बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट वाज 7-6 की मेजोरिटी से। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वाले केस में, दैट इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें यह कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, इस जजमेंट को टर्न डाउन कर दिया, गलत करार दे दिया। इसके साथ ही 24th अमेंडमेंट एक्ट जो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कि यह कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जिसमें यह पूछा गया था कि पार्लियामेंट के पास किस एक्सटेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है, यानी कि पार्लियामेंट किस एक्सटेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। इसको आंसर करते हुए ये कहा कि हालांकि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, वह उनके साथ इंटरफियर ना करे, और इसी को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट को भी वैलिड करार दिया। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी लॉ को 9th शेड्यूल में डाला गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स को वायलेट करता है तो उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोर्ट में, उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, 24 अप्रैल 1973 को इस लैंडमार्क जजमेंट ने हिस्टोरिकल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि इस केस में कोई एक ऐसी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी गई थी कि यही ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो कि बेसिक एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक इंडिकेटिव लिस्ट दी गई थी और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेक्युलरिज्म, फेडरल करेक्टर ऑफ द नेशन, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जो सारे फीचर्स मैंने अभी डिस्कस किए, ये बेसिक फीचर्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आने वाले टाइम के साथ साथ और भी फीचर्स इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं, और इन फ्यूचर कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन करके और दूसरे फीचर्स भी ऐड कर सकती है जिन्हें वो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्वालिफाई मानती है। पर कोई फीचर एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं है, बेसिक फीचर है या नहीं, ये केस बाय केस बेसिस पर कोर्ट्स डिसाइड करेंगी। ये केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए एक नया डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द वन हैंड पार्लियामेंट को अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की दी, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती है, उन्हें वायलेट नहीं कर सकती है। इस लैंडमार्क जजमेंट ने आने वाले समय के लिए इंडिया की डेमोक्रेसी को सेफगार्ड कर दिया, जिसका श्रेय स्वामी केशवानंद भारती को जाता है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस केस के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एसएम सीकरी, जिन्होंने इस जजमेंट को ऑथर किया था, ही रिटायर्ड आफ्टर द डे व्हेन दिस वर्डिक्ट वाज प्रोनाउंस्ड बाय हिम। एज अ रिएक्शन टू दिस जजमेंट, गवर्नमेंट ने जस्टिस ए एन रे को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। जस्टिस ए एन रे, जो कि उन 6 जजेस में एक थे जिन्होंने इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपना जजमेंट दिया था, डिसेंटिंग व्यू दिया था, ही सक्सीडेड द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस एम सीकरी एंड बिकेम द 14th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्होंने सुपरसीड किया अपने से 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस को, वो थे जस्टिस शहलत, जस्टिस ग्रोवर एंड जस्टिस हेगड़े, जिन्होंने मेजॉरिटी की साइड से इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया था। इन तीनों जजेस ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन दे दिया था। चीफ जस्टिस ए एन रे ने उस समय एक 13 जज बेंच बनाई थी, जिसका काम था केशवानंद भारती केस को रिव्यू करना। इस केस की हियरिंग शुरू हुई 10th नवंबर 1975 को और 2 दिन तक इस मैटर को आर्ग्यू किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन 12th नवंबर 1975 को यह बेंच डिसॉल्व कर दी गई, जब चीफ जस्टिस एन रे के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर उनके पीयर्स ने बना दिया था अगेंस्ट रिव्यू ऑफ द केशवानंद भारती केस, क्योंकि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट कि कोई भी रिव्यू पिटीशन इसके लिए फाइल नहीं की गई थी और इस केस का जो रिव्यू था वो इनिशिएट किया गया था ऑन ओरल रिक्वेस्ट, जिसकी वजह से द कंप्लीट रिव्यू प्रोसेस वॉज इम्प्रॉपर। इस तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था वो सरवाइव किया और इसके बाद कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया आगे जाकर केशवानंद भारती का जुडिशियल रिव्यू करने के लिए दोबारा। तो दोस्तों, ये था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जो कि लैंडमार्क जजमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं इस YouTube चैनल CABN फॉर वेंट्री पर। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सकें और हम और आप मिल सकें एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय बाय।